नूरा फतेही एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने डांस के जरिए इस इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है। नूरा के किलर डांस मूव्स और उनकी अदाओं की दुनिया दीवानी है। नूरा इस वक्त टीवी के मशहूर डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 में बतौर जज के तौर पर नजर आ रही है। नूरा यहाँ भी अपने डांस से लोगों को मदहोश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। नूरा जब बिग बॉस के 9th सीजन में आई तो शायद ही उस वक्त उन्हें कोई जानता होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह दर्ज करा ली। नूरा इंडिया के साथ साथ अलग अलग देशों में भी अपने डांस का जलवा बिखेर चुकी है, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने फिलहाल नूरा फतेही का एक शो कैंसिल कर दिया है। दरअसल नूरा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक इवेंट में परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन बांग्लादेश सरकार से अनुमति नहीं मिलने के बाद अब नूरा का ये शो कैंसिल हो गया है। बांग्लादेश के सांस्कृतिक मामलों से जुड़े मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करते हुए नूरा को इस इवेंट में शामिल होने की परमिशन नहीं दी है। खबरों की माने तो बांग्लादेश सरकार ने अपनी वैश्विक स्थिति को देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा फैसला लिया है। बता दें कि नूरा को वुमेन लीडरशिप कॉरपोरेशन के एक इवेंट में परफॉर्म करना था। नूरा को इस इवेंट में डांस करने के साथ साथ अवार्ड देने के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन अब बांग्लादेश सरकार के इस फैसले के बाद नूरा को इस इवेंट में शामिल होने से मना कर दिया गया है। नूरा फतेही के वर्क फ्रंट की बात करें तो नूरा झलक दिखला जा 10 को जज करने के साथ ही फिल्म थैंक गॉड में नजर आने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह भी नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म से रिलीज हुआ आइटम सॉन्ग मनके में नूरा और सिद्धार्थ के बीच की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही है। फिलहाल नूरा का बांग्लादेश में जो शो कैंसिल हुआ है उसकी वजह जानकर अब फैंस काफी ज्यादा हैरान है।